अस्सलामु अलैकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल में नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, पूरा व्लॉग देख लीजिए। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हब्बा खातून स्प्रिंग को। आप देख सकते हो ये सामने हब्बा खातून माउंटेन, हब्बा खातून माउंटेन के साथ है हब्बा खातून स्प्रिंग, उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आज हम। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम आगे का सफ़र अभी शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम आपको यहाँ की थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है हब्बा खातून चश्मे की तरफ। तो गाइस, आप देख सकते हो ये है हब्बा खातून माउंटेन, ये हब्बा खातून नाम से जाना जाता है। और सामने यहाँ से देख सकते हो ये है कृष्णगंगा रिवर। बताया जा रहा है एक दिन हब्बा खातून जो थी कृष्णगंगा रिवर से पानी निकाल रही थी, तो वो अपने साथ एक मटका लेकर चल रही थी, उसमें पानी लेकर आ रही थी मटके में। तो ऐसा हुआ एक दिन उसका पैर फिसलने की वजह से वो मटका वहां पर टूट गया है, वहां पर तब से एक चश्मा निकल गया है। तो अभी हम वहां जाके आपको दिखाएंगे, अभी मैं आपको यहाँ की लोकेशन दिखाऊंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये है लोकेशन, आप ये पुल क्रॉस करके आ सकते हो हब्बा खातून चश्मे की तरफ। और सामने देख सकते हो ये है कृष्णगंगा। तो गाइस, हमारा अभी सफर शुरू हुआ है हब्बा खातून चश्मे की तरफ। मैं चलते चलते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका हूँ। अच्छा आपको बताऊंगा हब्बा खातून स्प्रिंग किस साइड में है और नमरार वाटरफॉल किस साइड में है, मैं आपको यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो गाइस, ये जो रूट यहाँ से जा रहा है ये जा रहा है नमरार वाटरफॉल की तरफ। और गाइस, आप यहाँ से देख सकते हो ये वाला रूट, ये जा रहा है हब्बा खातून स्प्रिंग की तरफ। गाड़ियों को यहीं पर पार्क करना पड़ता है, आप देख सकते हो कुछ गाड़ियां यहाँ पर पार्क करके है, और यहाँ से भी देख सकते हो कुछ गाड़ियां यहाँ से पार्क करके है। तो वो वाला साइड रहा नमरार वाटरफॉल की तरफ, और गाइस ये रहा हब्बा खातून स्प्रिंग की तरफ। तो गाइस, आपको ये कुछ फ्रूट जैसे दिखने को मिलेंगे, लेकिन इनको खाना नहीं है, अगर खा गए तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, आपने जितना भी सुबह सिखाया है वो रिवर्सली वापस आ जाएगा। तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हब्बा खातून चश्मे के सामने। आप देख सकते हो ये हब्बा खातून स्प्रिंग, पहले भी मैंने आपको बताया इसकी थोड़ी हिस्ट्री, वो वाले पहाड़ से बोलते हैं हब्बा खातून निकल रही थी पानी लेकर, का मटका इसी जगह में गिर गया था, तो तब से ये पानी निकल रहा है। तो गाइस, मैं आपको ठीक तरह से दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ से। तो सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से निकल रहा है ये पानी, समझ नहीं आ रहा है और कहाँ से निकल रहा है। आप देख सकते हो ऊपर पहाड़ी पहाड़ है, आप देख सकते हो यहाँ से निकल रहा है ये पानी। तो ये जो चश्मा है बहुत ही फेमस है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है ये चश्मा। आप देख सकते हो कुछ लोग यहाँ पर फोटो शूट भी कर रहे हैं चश्मे के नीचे, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कितना अमेजिंग व्यू है।
तो गाइस ये बहुत ही ठंडा और साफ पानी है, आप देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा हम 2 मिनट तक रख सकते हैं पानी में हाथ। तो कुछ इस तरह का व्यू है। थोड़ा मैं आपको नीचे जाकर भी इसका व्यू दिखाऊंगा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आ गया है तो तब भी वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस मुझे लग रहा है ये जो व्लॉग है बहुत बड़ा हो चुका है। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं और एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। मिलते हैं गाइस और एक नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।